नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरे गए। फॉर्म कब निकले, अंतिम तिथि क्या थी, कैसे भरना है, यह सारी जानकारी समय समय पर मैं आपके लिए लेकर आई थी। और जब 12 जुलाई को रिजल्ट जिस दिन निकलना था, उस दिन जब शाम तक रिजल्ट नहीं निकला, तब मैंने हेल्पलाइन नंबर ट्राई करे और उस दिन अच्छी किस्मत शायद मेरी थी कि हेल्पलाइन नंबर उठा लिया गया और मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे जानकारी दी कि रिजल्ट 12 जुलाई नहीं निकलेगा, 19 जुलाई को निकलेगा। मैंने वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी भी दी थी कि मुझे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर यह जानकारी मिली है कि रिजल्ट आज नहीं यानी कि 12 जुलाई को ना निकल कर 19 जुलाई को निकलेगा। उसके बाद ये जानकारी जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कहा जी नहीं मैम, रिजल्ट तो आ गया है, हम अपने बच्चे का रिजल्ट चेक करा है लेकिन हमारे बच्चे का नाम नहीं आया। और आप सभी को कहना चाहूँगी कम से कम 500 से 1000 लोगों ने मुझे मैसेज कर बताया है, कॉमेंट कर बताया है कि रिजल्ट निकल चुका है लेकिन हमारे बच्चे का नाम नहीं आया। सोचिए, सबकी शिक्षा परिवार जो EWS DG कैटेगरी के दाखिलों का सबसे बड़ा परिवार है, देश का सबसे बड़ा परिवार, EWS DG कैटेगरी के दाखिलों पर जो काम करता है, उस परिवार का क्या कोई भी बच्चे का दाखिला नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि उस दिन रिजल्ट निकला ही नहीं था, तो आपने जब रिजल्ट देखने की कोशिश करी तो यही आया कि इट इज़ रिग्रेटेड दैट योर चाइल्ड्स नेम इज़ नॉट फाउंड इन द लिस्ट। तो आप चिंता मत करिए, 12 जुलाई को तो रिजल्ट आया नहीं था। अब बात करते हैं 19 जुलाई की। आज 19 जुलाई हो गई है और सुबह से मुझे 1000 से ऊपर, जी हाँ 1000 से ऊपर कमेंट आ चुके हैं जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि मैम आज 19 जुलाई है, कोई अपडेट दीजिए। आपके सारे कमेंट सुबह से पढ़ रही हूँ। थोड़ी तबीयत ख़राब है, बेटे की भी तबीयत ख़राब है, उसे आज स्कूल नहीं भेजा है। मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ हैं, उनकी भी, मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब है, उनका कैटरैक का भी ऑपरेशन हुआ था, लेकिन सबको देख रही हूँ। लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल है, सुबह से पूरी नज़र मेरी रिजल्ट पर है और हेल्पलाइन नंबर्स, यही हेल्प दो हेल्पलाइन नंबर्स पर मैं कॉल करे जा रही हूँ सुबह से। नाना करते भी 50-50 दोनों नंबर्स पर मैं कॉल कर चुकी हूँ। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के जो प्राइवेट स्कूल ब्रांच है वहाँ पर भी ढेर सारे फ़ोन कर चुकी हूँ, कोई कहीं फ़ोन नहीं उठा रहा। लेकिन जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी, अभी तक मैं उसी जानकारी के बारे में बताऊंगी कि जब मेरी मुझे पिछली बार जानकारी प्राप्त हुई थी तो मुझे यही कहा गया था कि 19 जुलाई को रिजल्ट निकलेगा। तो लगता है आज रिजल्ट निकलेगा। और याद रखिएगा, सरकारी काम एकदम नहीं होते। अगर सुबह सुबह रिजल्ट आ जाना, 12-1 बजे तक रिजल्ट आ जाना, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता। सरकारी कामों में, रिजल्ट निकलने में, कोई भी सरकारी काम में समय लगता है। तो आप भी मेरी तरह डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, जो कि www.edudel.nic.in वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, अगर आपको कोई नोटिफिकेशन दिखाई देती है, अगर आपको कोई और जानकारी मिलती है जिसके माध्यम से आपको पता चलता है रिजल्ट निकल गया है, तो हम सभी के साथ साझा करिए। आपकी जानकारी मिलते ही मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी और आपको कहना चाहूंगी कि हर वक्त हर पल मेरा मोबाइल मेरे साथ है। मैं हर वक्त आपके रिजल्ट के लिए मोबाइल पर अपनी, बिल्कुल इसे कहते हैं ना, नज़र गड़ाए बैठी हूँ। सबकी शिक्षा की टीम भी आज सुबह से सारा काम छोड़कर केवल और केवल EWS फ्रीशिप कैटेगरी के रिजल्ट्स पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही है। और एक और बात भी कहना चाहूँगी, आप सभी के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। अब आपका पसंदीदा सबकी शिक्षा बन चुका है सबकी शिक्षा फाउंडेशन। अगर आपको लगता है हम समाज में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है हम बच्चों को स्कूलों तक पहुँचाने में उनकी मदद कर रहे हैं, तो हमारी मदद कीजिए। स्क्रीन पर आ रहे QR कोड का इस्तेमाल कर आप हमें डोनेशन दे सकते हैं, चाहे वह 500 है, चाहे वह 200 है, चाहे वह 100 है। आप कोई भी धनराशि के द्वारा हमारी मदद करिए। आपके द्वारा दी गई मदद से हम बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और साथ ही यह भी कहना चाहते हैं, कोई भी मदद कम नहीं होती। आपके द्वारा दी गई हर पाई की मदद से बच्चे भारत में स्कूलों तक पहुँचेंगे। साथ ही EWS फ्रीशिप कैटेगरी का रिजल्ट जैसे ही निकलेगा, उस पर मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी जानकारी मेरे पास थी वह जानकारी मैंने आपके सामने रख दी है। यदि संबंध में मुझे और जानकारी मिलती है या फिर आपको कोई जानकारी मिलती है, तो हम एक दूसरे के साथ साझा ज़रूर करेंगे। आप चाहे, अगर आपको कोई PDF मिलता है, ज़रूरी कोई और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, तो आप मेरे email ID जो कि सबकी शिक्षा का email ID है, sabkishiksha.in@gmail.com पर भी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।